नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू यादव की एक किताब आने वाली है, गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी। इस किताब को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल है, और उबाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस किताब का कुछ अंश बाहर आ गया है। और उस अंश में यह खुलासा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में थे, महागठबंधन से अलग हुए, बीजेपी के साथ दोस्ती की, और इस दोस्ती के 6 महीनों के अंदर ही बीजेपी को वापस छोड़ना चाहते थे। लालू यादव से दोबारा दोस्ती चाहते थे, प्रशांत किशोर मध्यस्थता चाह रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, 5 बार मुलाकात की लालू यादव से। लालू यादव ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, और बकौल लालू यादव ये बात हम आपको बता रहे हैं जो लालू यादव ने लिखा है, जो अंश बाहर आया है किस इस किताब का। तो लालू यादव दोस्ती चाहते थे, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार दोस्ती चाहते थे लालू यादव से, लेकिन लालू को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, इसलिए मध्यस्थता कर रहे प्रशांत किशोर की बात लालू यादव ने नहीं मानी, और नीतीश कुमार की दोबारा एंट्री महागठबंधन में नहीं हो सकी, लालू यादव से दोस्ती नहीं हो सकी। ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, ये खबर पुरानी है, लेकिन नई बात क्या है हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल है। इस किताब को लेकर लोकार्पण से पहले यह किताब चर्चा में आ गई है, विवादों में आ गई है, और कह सकते हैं कि एनडीए और लालू यादव के बीच युद्ध चल रहा है, लालू तेजस्वी के बीच युद्ध चल रहा है। पहले प्रशांत किशोर इस किताब पर को लेकर हमलावर हुए लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, और कहा कि इस किताब में झूठ लिखा गया है, किताब में जो बातें कही गई हैं वो सही नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने उस किताब की सत्यता पर सवाल उठाए। फिर सुशील मोदी ने किताब को लेकर हमला किया, और जेडीयू के तमाम दूसरे नेताओं ने भी हमला किया, बीजेपी के नेताओं ने भी हमला किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू यादव को राम नाम जपना चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो तमाम तरह के हमले हुए इस किताब को लेकर लालू यादव पर, और लालू यादव ने भी हमला किया, तेजस्वी यादव ने भी हमला किया जेडीयू पर, बीजेपी पर, और जेडीयू बीजेपी के नेताओं पर, सीएम नीतीश कुमार पर, प्रशांत किशोर पर। तो हमलेबाजी चल रही है दोनों ओर से। और आज खबर यह है, दरअसल इस किताब को लेकर बिहार की राजनीति में जो उबाल है, जो गर्माहट है, वो तपिश अभी ठंडी नहीं हुई है। इस किताब को लेकर बिहार की राजनीति अब भी गर्म है, और आज खबर आ रही है कि जेडीयू ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया है जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने, और कहा है कि इस किताब का तो नाम ही गलत है। किताब जिन्होंने लिखा है नलिन वर्मा, उन पर भी हमला किया है जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने, और कहा है कि नलिन वर्मा को ये नाम नहीं देना चाहिए था, उनको ये नाम कैसे सुझा, उनका तो दिया हुआ नाम ही गलत है, किताब का नाम ही उन्होंने गलत दे दिया, किताब का टाइटल ही गलत दे दिया। इस किताब का नाम होना चाहिए था गोपालगंज वाया होटवार टू रायसीना, इस तरीके से जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने हमला किया है, और कहा है कि किताब का नाम ही गलत है, और तमाम तरह के हमले किए हैं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने। किताब की सत्यता पर सवाल उठाए हैं, किताब में तथ्यों को खारिज किया है, जो किताब में लिखा गया जिस तरीके से खुलासे सामने आए हैं। तो अब मोर्चा संभाल लिया है जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने, और जेडीयू बिल्कुल आक्रामक तरीके से हमले कर रही है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने हमला किया है, और कहा है, हमला सिर्फ लालू यादव पर नहीं किया है, हमला किया है किताब के लेखक, जो सह लेखक हैं, जिनके साथ लालू ने मिलकर इस किताब की रचना की है, लिखी है, नलिन वर्मा प्रख्यात पत्रकार हैं, उन पर भी हमला किया है जेडीयू ने, और कहा है कि उन्होंने किताब का नाम ही गलत दे दिया है, किताब का यह नाम नहीं होना चाहिए था, इसमें होटवार का नाम भी जोड़ना चाहिए था। तो तंज जेडीयू का, हमला जेडीयू का इस किताब को लेकर लालू यादव पर और नलिन वर्मा पर। तो खबर यही कि बिहार की राजनीति में इस किताब को लेकर उबाल ठंडा नहीं हुआ है, तपिश ठंडी नहीं हुई है, राजनीति अब भी गर्म है, हमला चल रहा है इधर से भी उधर से भी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से भी, और इधर जेडीयू बीजेपी की ओर से। और इसी कड़ी में आज जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने हमला किया, नलिन वर्मा जो इस किताब के लेखक हैं उन पर भी, और लालू यादव पर भी। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।